जिला अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को बाहरी दवाइयां लिख रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों के इस कृत्य से मरीज बेहद परेशान है। जिला अस्पताल में चल रहे इस घिनौने खेल को डीजी महाराजा न्यूज ने उजागर किया था। जब यह खबर डीजी महाराजा न्यूज पर प्राथमिकता से दिखाई गई, तब आगरा का स्वास्थ्य विभाग जागा और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने मंगलवार की शाम जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक चेक किया और डॉक्टरों से इस प्रकरण में बातचीत भी की। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अनीता शर्मा ने भी इस प्रकरण के संबंध में शासन को रिपोर्ट भेजी है। हालांकि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी खुलकर इस मामले पर बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उनके शब्दों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह भी अपने विभाग के डॉक्टरों की इस हरकत से परेशान आ चुकी हैं। बहरहाल इस मामले पर शासन क्या कार्रवाई करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी हाँ, जिला अस्पताल आगरा में कल अपर निदेशक स्वास्थ्य के द्वारा निरीक्षण किया गया दवाइयों की स्थिति के बारे में। तो हमारे यहाँ सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध थी और इमरजेंसी ड्रग्स टैबलेट हैं, सिराप्स हैं, इंजेक्शन सब उपलब्ध थे। उनको सूची दे दी गई है, उनको प्राप्त करा दी गई है। और इसके अलावा हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की स्थिति भी उन्होंने देखी कि पिछले 10 दिन में कितने अल्ट्रासाउंड हुए हैं, उनकी भी सूची सौंप दी गई है उनको। इसके अलावा डॉक्टर से भी बातचीत की, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही थी डॉक्टर बाहर की दवाई ले रहे हैं। उस पर मैंने रिपोर्ट लगा के दे दी है कि मीडिया के थ्रू पता लगा है कि इस तरह का हो रहा है, जबकि हमारे कार्यालय से आदेश जारी हो चुका है कि बाहर से दवाइयां नहीं लिखी जाएगी। उसके बावजूद ऐसा बात हुई है तो शासन से मैंने जांच कराने कहा है, रिक्वेस्ट की है और उसकी रिपोर्ट मैंने उनको सौंप दी है एडी साहब। आगरा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को बाहरी दवाइयां लेने पर मजबूर किया जा रहा था। दरअसल ये है डॉक्टर जिला अस्पताल में मौजूदा दवाइयों के स्टॉक को नज़रअंदाज करते हुए मरीजों के पर्चे पर बाहरी दवाइयां रिकमेंड कर रहे थे। इस खबर को डीजी महाराजा न्यूज़ चैनल पर प्राथमिकता से दिखाया गया था, जिसका संज्ञान स्वास्थ्य महकमे के उच्च अधिकारियों ने लिया है। मंगलवार को उच्च अधिकारियों द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया और यहां दवाइयों के स्टॉक को भी चेक किया गया। वहीं डॉक्टर से भी वार्तालाप की गई और अल्ट्रासाउंड के मामले में भी उच्च अधिकारियों द्वारा वार्तालाप की गई। हालांकि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अनीता शर्मा का कहना है कि ये जब मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले पर जाँच भी बिठाई है और इसकी रिपोर्ट शासन को भी भेजी है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से स्टॉक होने के बावजूद जिला अस्पताल के डॉक्टर बाहरी दवाइयां मरीजों को लाने पर मजबूर कर रहे हैं, इसको लेकर डॉक्टर्स पर कब और क्या कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रंजीत चौहान के साथ राशिद हुसैन, डीजी महाराजा न्यूज़ आगरा।